चलिए मनीष वोरा जी आइए। तो हम तीसरे पड़ाव की तरफ पहुंच चुके हैं और सियासी संग्राम का ये पड़ाव मुझे लगता है कि अब आखिरी पड़ाव की तरफ है और हमने तमाम प्रदेशों में हमने चर्चा की। मनीष जी आइए, राजीव चक्रवर्ती जी चलिए। तो हमारे साथ में जो मौजूदा पैनल है, हमने देखा है कि विजय झा जी कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर काफी मुखर रहे, काफी बातचीत करते रहे। सूरज उपाध्याय जी लगातार टीवी डिबेट में आपके तमाम पहलुओं को, मुद्दों को रखते में जाए, खासतौर पर अगर पंजाब और दिल्ली की सरकारों के तमाम विकास कार्यों को उन्होंने रखा है। राजीव चक्रवर्ती जी प्रखर वक्ता है बीजेपी से और बीजेपी से हमारी कोशिश थी कि सच्चिदानंद उपासना जी और दोजी में पटेल जी हमारे साथ में जुड़े, लेकिन चूंकि धर्मेंद्र प्रधान जी केंद्रीय मंत्री जी का यहाँ पे कार्यक्रम है तो नहीं आ पाए। सारिक जी और अमित श्रीवास्तव जी जो अक्सर हमारे साथ में टीवी डिबेट में भी जुड़ते हैं और बाकी सब भी बात रखे। मनीष वोरा जी यहाँ पे प्रखर पत्रकार है, वक्ता है। और सबसे पहले मैं तो विजय झा जी से शुरुआत करना चाहूंगा। विजय झा जी आजकल कर्मचारियों के हित को लेकर सभी पार्टियां बहुत बात करती है। आप देखिए कि ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम की बहुत बात हो रही है। कर्मचारियों के मुद्दे पर लगता है कि राजनीतिक पार्टियों ने बहुत सही तरीके से बातों को रखा है उनके सामने। कर्मचारियों के संबंध में सभी राजनीतिक पार्टियों ने केवल कर्मचारियों को झोलटू राम बनाया है। कर्मचारियों का कोई भी मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ। अनियमित कर्मचारी, हमारे शिक्षा कर्मियों का सम्मिलन दोनों सरकारों ने किया बोलते हैं, लेकिन आज भी उनका आंदोलन इसलिए जारी है कि वो फ्रॉम दी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, नियुक्ति की तिथि से अपनी सीनियरिटी की बात कर रहे हैं। मुझको याद है कि जब हमारे टी एस सिंहदेव जी चुनावी घोषणा पत्र समिति के संयोजक थे, आ जाइए क्या मांग है, क्या मांग है सबको, और बाद में रोने लगे कि मुझको इस बात का दुख है कि मैंने पूरा नहीं कर पाया। ये बात अलग है कि कांग्रेस के प्रवक्ता लोग बोलते हैं हमने 36 के 36 वादे पूरा कर दिए। आपको याद होगा बूढ़ा तालाब धरना स्थल में साहब 9 महीने तक विधवा बहन बेटी किस तरीके से आंदोलन किए, तालाब में डूबे, मुंडन किए, शव यात्रा निकाले, तमाम करने के बाद उनको कांग्रेस के प्रवक्ता लोग ले जाकर के मुख्यमंत्री जी पास खड़ा करके आंदोलन को वापस करा दिए। और मुख्यमंत्री जी ने फिर कहा कि आपको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलेगा। मैं इस बात का प्रखर विरोधी हूं, अनुकंपा नियुक्ति क्यों नहीं मिलेगा? उसका पति खत्म हुआ, उसका पिता खत्म हुआ, अनुकंपा नियुक्ति क्यों नहीं मिलेगा? अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण के बाद ठेका प्रथा प्लेसमेंट के बाद कई बार क्या क्लोज होते हैं, जिस क्लोज की वजह से बहुत सारी चीजें नहीं हो पाती है। और होता यह है कि नियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, कर्मचारियों को भी अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया, लेकिन कांग्रेस लगातार अभी ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम को लेकर बहुत बात कर रही है। सारी जी देखिए, कांग्रेस ने हमेशा ही कर्मचारियों के हित में कार्य किया है, जैसे अभी आम आदमी पार्टी के नेता भी ये चीज बता रहे थे। निश्चित रूप से जो संविदा कर्मचारी, क्योंकि मांग थी हमारे घोषणा पत्र में सम्मिलित थी, हमने इस दिशा में पहल भी किया, लेकिन जो संविदा कर्मचारी 15 साल का भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, ये उसमें उनके द्वारा ही मैक्सिमम उनकी भर्ती की गई थी और बिना किसी नियम कायदे के उनके लिए कोई किसी भी तरह का कोई ऐसी नीति निर्धारित और भविष्य दूरगामी कुछ उनके लिए सकारात्मक परिणाम नियुक्तिकरण की दिशा में निकल सके, तो इसमें जरूर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और कांग्रेस की सरकार ने संविदा कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जो वृद्धि की, केंद्र सरकार के बराबर उनका महंगाई भत्ता किया, साथ ही संविदा कर्मचारियों के वेतन में भी 27% की वृद्धि की, और लगातार संविदा कर्मचारियों के हमने तो नियमित भर्तियां 1 लाख से ज्यादा की है, और कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर यहाँ के नौजवानों के लिए खोले हैं। और कर्मचारियों हितों के लिए ओल्ड पेंशन और जो न्यू पेंशन है उस पर कांग्रेस ने हमेशा ही एक पॉजिटिव पक्ष रहा, और जो कर्मचारियों के हितों के लिए काम हो सकते हैं, अभी भी दिवाली के बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री जी और जो सरकार ने केंद्रीय, चूंकि अभी आचार संहिता लगी हुई है, जो कोई भी कार्य है वो केंद्रीय चुनाव आयोग की अनुमति से, लेटर भी लिखा उन्होंने, देखा मैंने लेटर भी लिखा उन्होंने अमित जी जी। निश्चित तौर पे देखिए, आपको बता दूं छत्तीसगढ़ की सरकार जो है सर्वहारा वर्गों के लिए काम उसने किया है, और मैं आपको बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि इन 5 सालों में हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों के लिए काम किया, और हमारी सरकार पूरी तरीके से टेस्टेड और ट्रस्टेड दोनों हो चुकी है। तो आपके माध्यम से मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जनता के बीच में हमारा 5 साल का विकास है, और पूर्ववर्ती सरकार जो कट कमीशन और करप्शन पे चलती थी उसका भी काम प्रदेश की जनता ने देखा है। रही बात अभी आपने कर्मचारियों की कही, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की सरकार सदैव कर्मचारी भाइयों के साथ थी, है और रहेगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक और चीज कह दूं कि लगातार अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में सरकार की जो काम है वो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक को जो सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है, हर व्यक्ति यहाँ पर खुश है। और जब लोग कहते हैं ना भरोसा बरकरार, पूरा कांग्रेस की सरकार, मतलब हमने क्रेडिबिलिटी स्थापित की है, और इस क्रेडिबिलिटी को बनाने में 5 साल लग गए साहब। गारंटी भी है
बीजेपी कहती है मोदी की गारंटी भी इधर। चलिए 10 सेकंड, जस्ट गिव मी 10 सेकंड। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में एक से एक नेता है, एक से एक नेता, लेकिन क्या अगर मोदी जी की गारंटी, हमारे घोषणा पत्र का नाम है भरोसे की गारंटी, और मैंने कहा ना इन 5 सालों में हमने जनता के लिए काम करके भरोसा स्थापित किया है, और ये कहते हैं मोदी जी की गारंटी। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, 9 साल में 18 करोड़ लोगों को रोजगार देना था, 17 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया। मैं कहता हूँ उनकी गारंटी कौन लेगा, और क्या छत्तीसगढ़ में कोई भाजपा के पास नेता नहीं है कि वो अपने घोषणा पत्र को भी कहते हैं मोदी जी की गारंटी? ये सोचने का विषय है छत्तीसगढ़ की जनता के लिए। चलिए एक नया शब्द भी ईजाद हुआ इसी बीच में कि कहा यह गया कि जो काम पूरे नहीं हो गए उसे जुमले का शक्ल दे दिया गया। पार्टी बहुत खुल के बात करती है मनीष वोरा जी। देखिए निश्चित रूप से गांधी राजनीतिक दलों, मैंने लगातार हर बार ये बात को कहता हूं कि राजनीतिक दलों की विश्वसनीयता जनता के बीच में निश्चित रूप से कम हुई है, और इसी का परिणाम है कि राजनीतिक दलों को कहीं गंगाजल हाथ में लेना पड़ता है, कहीं शपथ पत्र देकर के घोषणा पत्र जारी करना पड़ता है, कहीं संकल्प बताना पड़ता है। तो ये जो स्थिति है इससे राजनीतिक दलों को बचना होगा, नेताओं को बचना होगा। लगातार मैंने कहा एक बात और, मैं हमेशा कहता हूं कि इत्र की महक आपके दामन में हो ना हो, लेकिन आपके जज्बात और अल्फाज हमेशा महकदार होना चाहिए। लेकिन लगातार देखा यह गया है कि लोगों की भाषा शैली, राजनेताओं की भाषा शैली जो है, चाहे विपक्षी दल हो चाहे उनके नेताओं, उनके प्रति जिस प्रकार की भाषा शैली उपयोग हो रही है वो निश्चित रूप से स्वागत योग्य नहीं है, उसकी कतई मैं स्वागत नहीं करता हूं, वो निंदनीय है। देखिए जब भी आप कहीं पर भी रहते हैं जहां बात करें, देखिए गारंटी की बात हो रही है, भरोसे की बात हो रही है, तो गारंटी और भरोसा ही तो जनता तय करेगी कि किस पे किसकी गारंटी मानती है और किस पे भरोसा करती है। कॉन्टेस्टेड है जो अमित श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, मोदी की गारंटी वर्सेस भरोसे का घोषणा पत्र, इसमें काफी कुछ चर्चा हो रही है, लेकिन राजीव चक्रवर्ती जी ये देखने को मिल रहा है कि एक पार्टी ने 3100 किया, दूसरी पार्टी ने 3200 कर दिया, एक पार्टी 12000 दे रही है, दूसरी पार्टी 15000 दे रही है। देखिए ये सत्ता की लोलुपता है। भूपेश बघेल जी, कांग्रेस पार्टी, सी से कांग्रेस, सी से करप्शन, सी से क्राइम, सी से पूरा जो छत्तीसगढ़ का सिस्टम है उसको इन्होंने कोलैप्स कर दिया। तो कांग्रेस पार्टी ने सिस्टम को कोलैप्स कर दिया है। 36 वादे थे, वो 36 के 36 वादे जुमले साबित हुए। क्या शराबबंदी हुई, क्या यहाँ पर बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण की जो ऋण थी वो माफ हुए? इन्होंने कहा था गुड गवर्नेंस होगा, गवर्नेंस क्या हुआ? यहाँ तो थाने में कहना नहीं चाहिए, मैं उन पुलिस कर्मियों को वंदन करता हूँ जो अपनी जान की बाजी लगाकर काम करते हैं, लेकिन जो सेटिंग वाले पुलिस है जिनके ऊपर गृह मंत्री के ऊपर कांग्रेस के विधायक आरोप लगाते कि थाने की नीलामी होती है भूपेश बघेल जी की सरकार में, तो ये करप्शन का पुख्ता सबूत है क्या राजू जी? अब वो शैलेश पांडे जी जो अभी विधानसभा कांग्रेस के लिए खड़े हुए हैं, बिलासपुर के विधायक है, उनसे पूछ लीजिए। उन्होंने कहा हम तो कहते ही, हम तो सदन से सड़क तक कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जब से छत्तीसगढ़ में आई है करप्शन, टेंडर और क्राइम की रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रही है। और अभी वो मुद्दा आपका यही है बीजेपी का, बीजेपी का मुद्दा है भय, भूख और भ्रष्टाचार से आतंक पाना होगा, कमल खिलाना होगा। हम ही ने छत्तीसगढ़ राज्य को बनाया, अटल जी ने बनाया था, हम ही संवारेंगे इस राज्य को। और कांग्रेस के 36 के घोषणा पत्र में विधानसभा में उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी ने कहा कि मैं क्षमा प्रार्थी हूं, हमारे 36 वादे में से केवल 6 वादे पूरे हुए। 2 दिन पहले बयान आया उनका कि 34 वादे पूरे हो गए। वो अब देखिए उनको कितना डराया जाता है, सताया जाता है, उनकी हत्या का आरोप बृहस्पति सिंह जी कहते हैं, बृहस्पति सिंह जी कहते हैं मैं ये कांग्रेस पार्टी का तीन ही काम है, भय, भूख और भ्रष्टाचार। सूरज उपाध्याय जी कुछ कह रहे हैं। देखिए पहला शराबबंदी, दूसरा 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को 1000 रुपया और 75 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को 1500 रुपया, 2 ये हो गए। अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की बात हुई थी, भूमिहीन लोगों को जो ग्रामीण क्षेत्र में होंगे उनको 2 एकड़ जमीन और शहरी इलाके में पक्का मकान देने की बात हुई थी, सिंचाई का रकबा डबल करने की बात हुई थी, 1 किलोमीटर की नहर बनाए हो तो बता दें। इनके एक भी वादे पूरे नहीं हुए, जिन वादों को धरातल पे लाए उसमें जबरदस्त भ्रष्टाचार रहा है ये पूरा प्रदेश जानता है। चलिए वो तो अब बीते दिनों की बात हो गई, अब आगे की क्या आप क्या मानती है? आप तो पंजाब और दिल्ली के मॉडल की चर्चा कर रही है, क्या है बेस्ट इस मॉडल में? देखिए इस मॉडल में मैं आपको एक डाटा देना चाहूंगा कि भारत देश के टॉप 10 स्कूलों में 3 स्कूल दिल्ली सरकार के आते हैं। पूरे भारत देश में दिल्ली को छोड़ के एक भी भाजपा या कांग्रेसी सरकार बता दे जिसको स्कूल टॉप 10 में आते हो। पहला डाटा। पहला डाटा। दूसरा सर एक मिनट और,
टॉप 100 यूनिवर्सिटी में एक भी यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ की नहीं आती, ये शर्मनाक पूर्ण है हमारे लिए। तो शिक्षा का स्तर यहाँ बद से बदतर है। सुगर पड़ेगा की रैंकिंग आई थी, इनकी खुद की रैंकिंग थी, उसमें ये 92% फेल थे। सीएजी की रिपोर्ट है, 7482 रोडों का सीएजी ने आकलन किया, उसमें से 6982 रोड गुणवत्ता विहीन पाई गई। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सीएजी बोल रही है। तो छत्तीसगढ़ के अंदर 23 सालों तक भाजपा और कांग्रेस ने शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के नाम पे 18,79,126 रजिस्टर्ड बेरोजगार है, जिसको उमेश पटेल सदन में रखते हैं और ये डाटा देते हैं कि 0.5% से कम बेरोजगारी दर है। दोनों में सच क्या है ये कांग्रेस को क्लियर करना चाहिए। इसी बूढ़ा तालाब में दौड़ा दौड़ा के पीटा गया बेरोजगारों को। दूसरी चीज, विजय जी बात कर रहे थे विधवा महिलाओं की, वो धूप में, जाड़ा में, गर्मी में, बरसात में वो पड़े रही बूढ़ा तालाब में, कोई उनका सुध लेने वाला। समय तो आ गया है ना, समय आ गया है कि कर्मचारी अपने हितों की बात करेंगे। विजय जी, समय है, आपकी भी बात को सुनेंगे, कांग्रेस की बात को सुनेंगे, बीजेपी की बात को सुनेंगे कर्मचारी। बिल्कुल, कर्मचारी सुनेंगे। प्रदेश का कर्मचारी पहले प्रदेश का नागरिक है, उसके बाद सरकारी कर्मचारी है, उसको वो लोकतांत्रिक अधिकार है, अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। बल्कि मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि अपने मताधिकार का उपयोग कर कौन कौन कर्मचारी के हित में अहित में काम किया, उसका निर्णय 17 तारीख को ईवीएम मशीन में बटन दबाकर किया जाएगा। 3 तारीख को रिजल्ट आएगा तो फिर से चर्चा होगी। राजीव चक्रवर्ती जी, कुछ स्कूलों की चर्चा हो रही थी कि टॉप 10 में हमारे मॉडल की जो स्कूल है पंजाब और दिल्ली की, वो काफी अच्छी स्थिति में है। बीजेपी शासित राज्यों में ऐसी स्थिति नहीं है। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से मैं नम्रता से स्वीकार करता हूँ, स्कूल अच्छी है, लेकिन वो सरकारी स्कूलों में ताले लगा कर बनाए गए। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि शिक्षा भी समानार्थी हो, सरकारी स्कूल भी शुरू रहे और जो आप नव अभिनय जो नवाचार कर रहे हैं वो भी शुरू रहे। तो ऐसा नहीं कि एक तरफ आप पैरेलली एक स्थान को बंद कर दें। आज आप देखिए भूपेश बघेल जी उसका नकल करते हैं, सप्रे स्कूल ऐतिहासिक माधवराव सप्रे जी ने खून पसीने से बनाया था, 1913 का स्कूल ताले में बंद पड़ा है, वहां आत्मानंद खोल दिए। जो शहीद स्मारक स्कूल था, यहाँ शहर के बड़े बड़े लोग उसमें पढ़े हैं, ऐतिहासिक स्कूल, उसमें ताले लगा दिए गए। तो ये तालेबंदी नहीं होनी चाहिए। आत्मानंद स्कूल, जिसकी आत्मानंद स्कूल को अगर आप किसी के कब्र पर कोई महल खड़ा करेंगे, कोई मकान खड़े करेंगे, तो वो गलत है। तो आपने सरकारी स्कूल पे ताले लगा दिए। सरकारी स्कूल में वो बच्चे पढ़ते हैं जो बहुत निम्न स्तर, केजी टू पीजी की बात हो रही है, तो वो देखिए वो जुमला है, वो तो बोल रहे शराबबंदी के लिए कमेटी बना दिए है, उस काम के लिए कमेटी बना दिए है, कमेटी में भाजपा वाले आते नहीं है। तो ये जो जैसे रहता ना कि 1 रुपए में 1 लाख का इनाम, नियम और शर्तें लागू, वही कांग्रेस पार्टी करती है। बोलती है हम 15,000 देंगे, हम 3 लाख देंगे, 5 लाख देंगे, किसानों का धान खरीदेंगे। लेकिन जब किसान धान खरीदने जाता है तो बोलता है हमारे ये पत्थर कंकड़ वाले जैविक खाद को खरीदना पड़ेगा, नियम और शर्तें लागू। जब नागरिक कहता है कि हमें शराबबंदी चाहिए, हमने कमेटी बना दी। घूम फिर के आप शराबबंदी पे रहे राजीव जी। चलिए चलिए, सारी साहब आत्मनिर्भर स्कूल को लेकर राजीव जी ने बहुत बात कही, लेकिन अभी तो केजी टू पीजी की बात कर रही है कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा इस प्रदेश के जो भविष्य है उनको शिक्षित, स्वावलंबी और संपन्न बनाने की दिशा में प्रयास किए हैं। और भारतीय जनता पार्टी क्या बात करेगी, 15 साल में नक्सल प्रभावित बस्तर में 3,000 से ज्यादा स्कूलों में ताले लगे हैं। अरे क्या बात कर रहे हो, अपने आंकड़े उठा के देखिए। और जो आसपास रायपुर जिले के आसपास 100 किलोमीटर के अंदर के स्कूल शिक्षक विहीन रहते थे, इन्होंने जो बढ़ावा दिया है शिक्षा माफियाओं को बढ़ावा दिया है। शिक्षा माफिया के हाथों भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल बिकी हुई थी। शिक्षा माफिया को पढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए, निजी स्कूलों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूलों की दुर्गति जो 15 साल के राज में हुई है भारतीय जनता पार्टी के, वो कभी नहीं हुई। जैसे मैंने पहले ही कहा, कांग्रेस ने सरकार में आने के साथ सबसे पहले, क्योंकि हमारे बच्चों का जो उज्ज्वल भविष्य रहता है, एक अच्छे समाज के लिए एक शिक्षित होना जरूरी है, हमने शिक्षा पे ध्यान दिया। और स्वामी आत्मानंद स्कूल के माध्यम से आज आप देखिए, गरीब व्यक्ति जो समाज के अंतिम छोर का व्यक्ति है, वे आज मुफ्त में एक उच्च स्तर की शिक्षा एक शानदार माहौल में ले रहा है, जिसके लिए लाखों रुपए अभिभावक बताते थे। आज कांग्रेस की सरकार में वो शिक्षा उनको मुफ्त में मिल रही है। और कांग्रेस ने इस बार तो उससे भी बढ़कर एक जो केजी से लेकर जो पीजी तक की शिक्षा है,
वो निःशुल्क करने का एक फैसला लिया, और निश्चित रूप से हम अपनी आने वाली जो सरकार है, और निश्चित रूप से हमें भरोसा है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने 5 साल के हमारे काम देखे और हमें बहुमत देगी, तो हम आने वाले समय में शिक्षा के स्तर को उठाएंगे। और शराबबंदी की बात करने वाले घरेलू आशी आने वाले भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और इस मंच पर उनके प्रतिनिधि के रूप में मौजूद, वो बताएं कि अपने घोषणा पत्र में उन्होंने शराबबंदी के लिए क्या किया है। चलिए अमित जी कुछ ऐड कर रहे हैं, चलिए अमित जी कर रहे हैं। देखिए अभी भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता कांग्रेस का व्याख्यान कर रहे थे, कांग्रेस का व्याख्यान कर रहे हैं कि ताकत भाजपा के नेताओं में नहीं है। सीईओ उन्होंने कहा, मैं बताता हूं बीजेपी का मतलब क्या होता है, बहुत झूठा पार्टी, जुमलेबाज पार्टी। और रही बात अभी आप जब पूछ रहे थे, इन्होंने देखिए जब हम ये कह रहे थे, जब ये कह रहे थे तो हम पूरे धैर्यपूर्वक सुन रहे थे, तो इनसे कहिए कि ये भी धैर्यपूर्वक सुनने का मादा रखे। और जिस प्रकार से राजीव जी कह रहे थे, मैं आपको बता दूं कि ये कह रहे थे कि विकास नहीं हुआ, अगर भाजपा के नेताओं को विकास नहीं दिख रहा छत्तीसगढ़ में, जनता को दिख रहा है, अगर इन्हें नहीं दिख रहा है, तो मुझे लगता है भाजपा के नेताओं को दृष्टिदोष हो गया है। और रही बात, बहुत देर से आप प्रयास कर रहे थे कि ये कुछ अच्छा कहे, लेकिन गांधी जी किसी की पंक्तियां याद आ गई कि कहां इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हो, कहां इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हो, बड़े नादान हो साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो, ये भाजपाई लोग जहर है, जहर। चलिए एक बात मनीष जी, एजुकेशन बहुत बातचीत हो रही है, आपकी तरफ से भी दिल्ली मॉडल की चर्चा होती है, आत्मानंद को रखा जाता है एक मॉडल के तौर पर, और यहाँ पे KG-2 PG की भी बात बहुत जोर शोर से हो रही है। देखिए गांधी, निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि देश के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य की जो इंडस्ट्री चल रही है उस पे लगाम लगना चाहिए, उसके लिए चाहे जो प्रयास किया जाए वो राजनीतिक दलों को करना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य की बहुत बड़ी इंडस्ट्री, मैं बोल रहा हूं जिन सबको समझिए, शिक्षा और स्वास्थ्य की इंडस्ट्री चल रही है, सारे धंधे एक तरफ खत्म हो जाते हैं तब ये धंधा फलता फूलता। शिक्षा माफी की जो जिक्र अभी कर रहे थे सारी जी, मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं ना इस बात को, शिक्षा और स्वास्थ्य की इंडस्ट्री पर बैन लगना चाहिए। और ये जो स्थिति है, देखिए जो बात स्कूलों की हो रही थी, कितने स्कूल खुले, किन स्कूलों का उन्नयन हुआ, कितने वहां पर टीचर हैं कि नहीं है, आपने स्कूल की बिल्डिंग बना दी, आपने सब कुछ कह दिया मगर वहां पर टीचर नहीं है, टीचर के लिए आप संविदा में जाते हैं, तो इस प्रकार की जो स्थितियां, इनसे बचने की आवश्यकता है। आज सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि देश की आजादी के 70 साल से भी अधिक वर्ष होने के बाद भी हम मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी जद्दोजहद कर रहे हैं, हम आज बहस कर रहे हैं शिक्षा पर, हम बहस करेंगे पानी पर, ये क्या स्थिति है। आज 70 साल देश में कांग्रेस ने राज किया, पिछले 9 साल से भारतीय जनता पार्टी यहां पर राज कर रही है, लेकिन उसके बाद भी देखिए मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जनता त्राही त्राही कर रही है, ऑक्सीजन के कमी के लिए कोरोना के दर में जनता जो है त्राही त्राही कर रही है, स्वास्थ्य के लिए त्राही त्राही कर रही थी, तो ये जो स्थिति है इससे बचने की आवश्यकता है। और ये शिक्षा और स्वास्थ्य, जो मैंने दो बातें कही ना, स्कूलों को आप बना रहे हैं, स्कूल की बिल्डिंग आप बना रहे हैं लेकिन वहां शिक्षक नहीं है। आप आत्मानंद स्कूल की बात कर रही, कांग्रेस बड़े जोर शोर से कहती है लेकिन वहां पर भी स्थिति है कि स्कूल तो बना दी, सब कुछ बहुत अच्छा है मगर वहां शिक्षक कहां है, इस बात को समझना होगा, शिक्षकों की भर्ती को लेकर के प्रयास करना होगा। कांग्रेस ने अंतिम समय में इस दिशा में प्रयास किया, उसके उन्होंने आवेदन दिए लेकिन अभी तक उनकी भर्ती की जो प्रक्रिया है वो रुकी हुई है, लगता है आने वाले समय में यदि उसमें कुछ हो जाए तो बहुत अच्छी बात हो। चलिए शिक्षा और स्वास्थ्य की जब भी बात होती है तो दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल को लेकर काफी चर्चा होती है, मोहल्ला क्लिनिक की बात होती है, नाइट और डे स्कूल की बात होती है। विजय जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, जब अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी दिया जी। तो नरेंद्र मोदी ने कहा था इनकी क्या गारंटी है, जो गारंटी दे रहे हैं उनकी खुद की गारंटी नहीं है, और आज अरविंद केजरीवाल का नकल हो रहा है, भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र का नाम मोदी की गारंटी। भारत में केवल कहना की अरविंद केजरीवाल जी की नकल है, पूरा नकल है, भाजपा और कांग्रेस दोनों नकल का समझेंगे, तो मैं प्रमाणित भी कर दूंगा। दिल्ली का स्कूल ऐसा प्रति लाए क्या आप अपने साथ? अरे मेरे पास तो प्रमाण है, सारी जनता देख रही, टीवी देख रही, नेट में देख रही। अरविंद केजरीवाल जी ने जो गारंटी दिया था, उन्होंने कहा कि हम निशुल्क शिक्षा, निशुल्क स्वास्थ्य, इन्होंने कहा रेवड़ी बांट रहे। साहब, भारत के संविधान में शिक्षा और स्वास्थ्य हमारा मौलिक अधिकार है, इट इज माई फंडामेंटल राइट। क्यों करते हैं स्कूल प्रवेश उत्सव, कोई बच्चा पढ़ाई से न छूटे, जो अच्छा काम किया उसको जेल में बंद करें, और देश को लूटने वाले अडानी अंबानी के खिलाफ भारत में किसी एक थाने में FIR नहीं है। तो ये जो है ना, आपको याद दिला दूं, श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपात कल लगा करके बड़े नेताओं को, विरोधियों को सबको जेल में बंद किया था, वही नीति मोदी जी करें। हमारा मनीष सिसोदिया, हमारे सत्येंद्र एक दिन भय प्रकट कृपाला टाइप का जेल से निकलेंगे और पूरा महाभारत का युद्ध करके वही स्थिति बनाएंगे जो 70 और 75 में हुआ था। कांग्रेस भी लगातार अडानी अंबानी की बात करती है और आप भी लगातार बात कर रही है अडानी अंबानी की, ये मेन मुद्दा, मुख्य मुद्दा है क्या? देखिए ये मुद्दा है, और सबसे ज्यादा बार सदन में आवाज उठाने वाले व्यक्ति का नाम है संजय सिंह। जिस प्रकार
तीन काले कानून उन्होंने लाया था और सदन के भीतर मोदी जी के सामने तख्ती लेके खड़े थे, उसका नाम था संजय सिंह। और अदानी के खिलाफ और अंबानी के खिलाफ सबसे ज्यादा बार बोला है कोई, वो संजय सिंह। कांग्रेस उनको कॉपी करने का काम करती, कांग्रेस के पास तो नैतिक साहस नहीं है, क्योंकि उसी हसदेव के जंगल में राहुल गांधी आए थे, बोले थे जंगल नहीं कटेगा, लेकिन वो गांव के लोग 450 किलोमीटर पैदल चल के राजधानी आते हैं सीएम से मिलने, ये बोल के वो ग्राम सभा फर्जी है। जब पूरे गांव के लोग आ गए और बोलते हैं ग्राम सभा फर्जी है, तो आपने दोबारा ग्राम सभा क्यों नहीं करा? और ये भाजपा भी कहते हैं मैं 4 रात उस जंगल में काटा हूं तो जंगल कट रहा है। उन्होंने बोला इनसे बोलना क्या है, बृजमोहन अग्रवाल, केदार कश्यप, रामविचार नेताम, ये सारे नेता गए थे, बोला एक सवाल करना, ये जंगल कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? उन्हें बोला नहीं कटना चाहिए, कटेगा तो आओगे? झांकने नहीं गए दोबारा भाजपा और कांग्रेसी, वो जंगल कट रहा है। ये ना तो आदिवासियों के है, न अनुसूचित जात के है, न यहाँ के लोगों के है। दूसरी चीज, इस सरकार में एक भी ऐसा विभाग नहीं, 145 विभाग एक साथ तूता में जाके आंदोलन करते हैं। आप समझ सकते हैं इस देश, जब सरकार की नीतियों का धरातल पर क्रियान्वयन करने का काम कर्मचारी करता है, लेकिन जब कर्मचारी रोड पे होगा तो आप समझ सकते हैं सरकार किस स्थिति में है। जल जंगल जमीन की बात हुई, राजीव चक्रवर्ती जी आपको भी नेता गए थे वहां पे? नहीं, देखिए राहुल गांधी जी सफेद झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी जी कह कर आए कि हसदेव नहीं कटेगा, हसदेव कटा। राहुल गांधी जी ने कहा छत्तीसगढ़ में 200 फूड प्रोसेसिंग प्लांट बन गए हैं, किसान टमाटर लेके, चना लेकर, मूली लेकर निकलते हैं, तुरंत खरीद लिए जाती है, वो खरीदा नहीं जाता। तो कांग्रेस पार्टी झूठ की पार्टी है, लबारी की पार्टी है, ये जन जन तक ये संदेश पहुंच गया है। कितने भी घोषणा पत्र जारी कर दे, कितने भी टीवी में दिखा दे, 36 वादे फेल हो गए। आप भी तो दिखा रहे हैं। हम तो किए, हमने स्वच्छता अभियान शुरू किया था, एक जमादार से लेकर कलेक्टर तक झाड़ू लेकर खड़ा हो गया साफ सफाई के, स्वच्छता के अभियान में तमाम लोग। हमने जो बोला, हमने तरुण की नहीं दिया, बोल रहे हैं बोनस, अरे दे रहे हैं अभी, 2 बोनस दे रहे हैं, कुछ बाध्यता थी वित्त विभाग की, आपकी तरह नहीं। पुलिस की भर्ती 2017-18 से शुरू हो गई, आज तक भर्ती नहीं हुई, शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। हाँ, पीएससी में इन्होंने पैसा लेकर 70 लाख रुपए लेकर डीएसपी की बोली लगाई, उसको बेच दिया। नायब तहसीलदार 80 लाख में बेच दिया, सहायक जेलर 90 लाख में बेच दिया। कांग्रेस पार्टी व्यापार, हम जब व्यापारियों को बोलते हैं कि आप व्यापार करो, लोगों को रोजगार मिलेगा, इनके पेट में दर्द होता है, लेकिन सरकार व्यापार करती है करप्शन का। इतने युवाओं की नौकरी की बात थी, उसे इन्होंने बेच डाला। ऐसी पहली बार हुआ कि कोई सरकार शराब से मिलने वाले राजस्व को उसे डकैती। मुझे लगता है कि अब जनता के बीच इस्तेमाल की बात है, पीएससी की बात है, जो प्रतियोगी परीक्षा कराती है उसमें कलेक्टर का बेटा, कमिश्नर का बेटा, तहसीलदार का बेटा, कांग्रेस के बेटा, अरे छत्तीसगढ़ के आम आदमी बेवकूफ है जो उनको लायक नहीं समझा गया। 400 बंद। मुझे लगता है कि इस पे अब जनादेश के जो समझेंगे, बहुत सारे मुद्दे उठे सारिक जी। अभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपनी पार्टी की रीति नीति के अनुसार जिस तरह से झूठ और गलत बातें लोगों में फैलाना है, उसी प्रकार से ही वो काम कर रहे हैं। और मोदी जी का झूठ और भारतीय जनता पार्टी का झूठ, और 15 साल में इन्होंने जो इनके वादों का गारंटी थी, वो 2018 में जनता ने इनको छत्तीसगढ़ की 13 सीट में लाकर बता दिया था कि इनके वादों पर जनता ने कितना भरोसा किया था और जनता के विश्वास पे ये कितना कायम रहे थे। और रही बात पीएससी की भ्रष्टाचार की बात, तो भारतीय जनता पार्टी और उनके जो सहयोगी दल है, चाहे वो संवैधानिक संस्थाओं को अपने सहयोगी दल के रूप में चुनाव में उपयोग कर रहे हैं, ऐसे ऐसे व्यक्तियों से आरोप लगाते हैं 2000 करोड़ के, 500 करोड़, जिनको पता भी नहीं होगा कि उसमें जीरो कितने होते हैं, ऐसे लोगों से तो ये आरोप लगाते हैं। इस तरह के आरोप जिसमें ना कोई तथ्य है, ना कोई वास्तविकता है, ना किसी तरह की प्रामाणिकता है, जो अभी इन्होंने मंच में कहा 70 लाख 80 लाख 90 लाख इनसे मांगे सबूत, एक हाथ कोई रिगार्डिंग होगी या कोई अभ्यर्थी होगा, तो भारतीय जनता पार्टी एक हाथ में माचिस और एक हाथ में मट्टी तेल रखकर राजनीति करती है। जहां पर उन्हें इस तरह की संभावना दिखती है, वे आग लगाने पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बार जो छत्तीसगढ़ की जनता है, जिन्होंने 5 साल जो अंतिम छोर के व्यक्ति है, जो नौजवान है, जिनको रोजगार बेरोजगारी भत्ता मिला है, जो हमारे किसान भाई है, जो स्वयं सहायता समूह है,
और जिनके खाते में डायरेक्ट उनके जो अधिकार का पैसा है एक ट्रांसफर हुआ है, वो तय करेंगे कि इनके जो हवा वाड़ हड़ने देते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें देते हैं, जो गैर बुनियादी मुद्दे रहते हैं। मुझे लगता है कि अब जो भी मुद्दे हैं उन मुद्दों पर जनता निश्चित तौर फैसला करेगी, वो सभी को सुन रही है, बीजेपी हो, आप हो, कांग्रेस हो। जी निश्चित तौर पर देखिए गांधी जी कि सत्ता बल, बहुबल, और कहते हैं ना कि भाजपा को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, चुनी हुई लोकप्रिय सरकारों को गिराना, और लगातार जिस प्रकार से अभी राजीव जी कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ को हमने बनाया, हम संवारेंगे, 36,000 करोड़ का नान घोटाला, आग फोड़वा कांड, गर्भाशय कांड, इसी तरह संवारेंगे छत्तीसगढ़ को? छत्तीसगढ़ की जनता में अगर अच्छा काम करते तो 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में लाके जनता नहीं छोड़ती। इसलिए अब आपको क्रेडिबिलिटी बनाना पड़ेगा, झूठ की राजनीति इन्हें बंद करना पड़ेगा। और आपको मैं बता दूं, जैसे सारिक भाई ने कहा, सिर्फ आरोप लगाना भाजपा दो कामों में बड़ी माहिर है, आधे समय सच को छुपाना और आधे समय झूठ को फैलाना, यही इनका असली चाल चरित्र और चेहरा है। और छत्तीसगढ़ की जनता बेहतर समझ चुकी है। आज जब यहां की जनता कहती है भूपेश है तो भरोसा है, कांग्रेस है तो भरोसा है, ऐसे ही नहीं कहती, मैं बार बार आपको कह रहा हूं हमने क्रेडिबिलिटी बनाई है। और रही बात, हम जनता की अदालत में अब आ गए हैं और लोकतंत्र में जनता अपने उत्सव के बहुत हम करीब है। अगर हमने अच्छा काम किया होगा जनता हमें इस बार 75 पार पहुंचाएगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार की हमारी सरकार की योजनाएं रही है, जो जनता का प्यार और आशीर्वाद हमें मिला, 68 से 71 जनता के प्यार और आशीर्वाद से हम बने। लेकिन अभी जिस प्रकार से राजीव जी ने आरोप लगाया, एक भी सबूत इनके पास है तो मांगिए, लेकिन नहीं, ये आरोप लगाते हैं और जब हम सबूत पूछते हैं तो ये भाग जाते हैं भाजपा के नेता। इसीलिए मैं कहता हूं कि भाजपा जो है सबसे बहुत झूठा पार्टी है, इसे कोई विश्वास नहीं करता। चलिए, मुझे लगता है कि इसको जनता पे छोड़ते हैं और जनादेश को समझेंगे जब 3 तारीख को, तो निश्चित तौर पे तमाम पहलुओं पे चर्चा होगी। मनीष जी, सभी पार्टियों को आपने सुना, सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से अपने अपने पार्टी की रीति नीति को रख रही है, लेकिन करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा उठ के सामने आ रहा है, चाहे बीजेपी के समय की बात हो चाहे कांग्रेस के समय की बात हो। और कर्नाटक के चुनाव में हमने ये भी देखा कि उस समय कितना बड़ा मुद्दा बना करप्शन, जिस 40% का मुद्दा को लेकर वहां की सरकार चली गई। देखिए, निश्चित रूप से देश में करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा बनता है, चाहे वो बोफोर्स की बात कर लें, चाहे हम अभी आप कर्नाटक की बात कर लें, चाहे हम छत्तीसगढ़ में लगातार जो हुए करप्शन की बातें हुई उनको बात कर लें, चाहे नान घोटाले की बात कर लें, चाहे महादेव ऐप घोटाले की बात कर लें, चाहे शराब घोटाले की बात कर लें, चाहे ऐसी तमाम लगातार घोटालों की बात तो होती गांधी जी, लेकिन इसमें मुख्य चीज ये है कि जो जितनी बातें होती है, जिस प्रकार से उसको जितने बड़े कैनवास पे लाया जाता है, उसके बाद सरकार में आने के बाद उन चीजों को राजनीतिक दल क्यों छोड़ देते हैं। सबसे अहम सवाल यह है कि यदि सत्ता में आते हैं, जिन बातों को लेकर के जनता के बीच जाते हैं, उस वादों को पूरा करने के आप पीछे क्यों हटते हैं? आपने करप्शन को बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? मैं यदि छोटी सी बात यहां पर जिक्र करूं, छत्तीसगढ़ के मैटर पे दो बड़ी बातें कांग्रेस ने उठाई थी और बड़े जोर शोर से उठाई थी, वो राजधानी के दो बड़े मुद्दे थे, एक था एक्सप्रेस वे में बड़ा घोटाला, दूसरा उसने उठाया था फुटओवर ब्रिज को लेकर। ये जो दो बड़े मुद्दे उन्होंने उठाए थे, वो दोनों चीजें आज भी जनता की छाती पर वैसी की वैसी कब्र के रूप में खड़ी है। जनता के गाढ़े पसीने की कमाई वैसी ही पड़ी है, न तो उसका कोई निर्माण किया गया ना उसको डिसॉल्व में क्यों नहीं चर्चा हुई इन मुद्दों की? मैं वही चीज कह रहा हूं गांधी जी कि देखिए, ये जो बड़े चीजें हैं, लगातार आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो उन चीजों को ठंडे बस्ते में रख देते हैं। जब उस पर बात की जाती है तो आप कहते हैं हमने कमेटी बना दी है, कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, उसके बाद हम उस पर निर्णय करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आप जब भी इस तरीके की कोई बात करते हैं, आपने चाहे जो भी वादे किए उन पर जो बात करते हैं, जो ऐसी चीजें आ जाती है जो जाकर के गले की फांस बन जाती है, उस पर कमेटी बनाई जाती है और कमेटियों का निर्णय कभी नहीं आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जब भी आप घोटालों की बात करें तो उसको तह तक लेकर के जाएं और जनता के बीच में पब्लिक डोमेन वो लेकर आई एम बॉन्ड भी होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से। जब भी आप इस प्रकार की बात करें, चाहे कांग्रेस करे चाहे भारतीय जनता पार्टी करे, भाजपा यदि इस बात को कह रही कि 500 करोड़ का महादेव ऐप में घोटाला हुआ, वो पैसा मुख्यमंत्री के जेब में गया, तो पैसा कैसे आया, कहां गया, किसने दिया, इन सारी चीजों व्यक्ति के आधार पर नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, मैं निश्चित रूप से उसी बात को कह रहा हूं कि उन चीजों को आप पब्लिक डोमेन में लेकर के आइएगा यदि आप सत्ता में आते हैं। तो यदि आप नहीं लेकर के आते, इसका मतलब यह है कि आप जो कहते हैं कि हमने जो कहा था वो जुमला है, तो इस बात को आप सत्यापित करते हैं और जनता का विश्वास जो है राजनेताओं के प्रति सीधे तौर पर खत्म हो जाता है। अमित जी, संक्षिप्त में। गांधी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ईडी की नोटशीट आई तो उसमें लिखा था दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन आप किसी पे भी आरोप लगा देते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा 72 FIR हमने किया और 475 लोगों को गिरफ्तार हमने किया, 191 लैपटॉप हमने जब्त किया, 853 मोबाइल हमने जब्त किया, कार्रवाई हमने की, और आप आरोप हम पे लगाते हैं। साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया से नहीं लड़ पाते तो अपनी जमाई, कहते ना ईडी, आईडी, सीबीआई, भाजपा के 3 जमाई, उनको आगे
करते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं छत्तीसगढ़ के जनता हमारे साथ है, हमारे के कार्यकर्ता इनको मुंह फोड़ जवाब देने के लिए आतुर हैं। और आपके माध्यम से मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, इस देश की जनता कह रही है कि लगातार इस प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या जारी है और बीजेपी लोकतंत्र की हत्यारी है, लगातार इनको माकूल जवाब जनता देगी। और मैं फिर आपको कह रहा हूं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि आप व्हाई डोंट यू इन्वेस्टिगेट ऑन दिस ऐप, इन्होंने नहीं किया, उसको बैन नहीं किया एआईसीसी में, अब हुआ है साहब, लेकिन हमने तो 22 अगस्त को एआईसीसी से कहा था कि आप इसे बैन क्यों नहीं करते। तो कहीं कहते हैं ना कि इनके नेता तो इसमें संलिप्त तो नहीं है, चुनाव के समय जिस प्रकार से ये झूठा झूठा आरोप लगा रहे, जनता इन्हें करारा जवाब देगी। निश्चित तौर पर जनता सब देख रही है, जवाब भी देगी, जो बात आप कह रहे हैं अमित जी। चलिए राजीव जी, देखिए कांग्रेस पार्टी की आदत है ये सेना पर सवाल उठाना, पैरामिलिट्री फोर्स पर आरोप लगाना। सोनिया गांधी जी रो रही थी जब बटाला इनकाउंटर हुआ, वो इंस्पेक्टर ज्ञानेंद्र शर्मा के घर नहीं गई लेकिन आतंकवादी के घर गई, और दिग्विजय सिंह ने बोला सोनिया जी रोए नहीं, बहुत रोती रही सोनिया जी। वैसे चुनाव इन मुद्दों का कुछ है क्या अस्तित्व? मैं बता रहा हूँ, अगर छत्तीसगढ़ सरकार जो ऐप आता है ब्लू वेल, जिसमें बच्चे सुसाइड कर रहे थे, उसमें किसी के कहने पे उस ऐप को खत्म कर रही थी छत्तीसगढ़ सरकार, लेकिन महादेव ऐप से लेकर तमाम सट्टेबाजी जो होती है उस ऐप को इस सरकार ने बंद नहीं किया, क्योंकि ये सरकार संगठित अपराध की संरक्षण देने वाली है। यहाँ महादेव ऐप से लेकर चौक चौराहे पर चलने वाला सट्टा सरकारी तंत्र से चलता है, उसकी सुरक्षा देती। बीजेपी में क्या ये सब चीजें नहीं चलती थी? दोनों पार्टियों का आपने सुना, दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती नजर आती है बीजेपी, लेकिन आपको लगता है कि निदान निकलता है इन आरोपों से? नहीं, मैं तो बड़ा खुश होता हूं जब दोनों पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा रास्ता साफ होता है। मुझको भाजपा कांग्रेस के खिलाफ बोलने राजनीतिक कारण से आप? मैं राजनीतिक कारण से, ये तो पब्लिक है सब जानती है, आपके चैनल को लाखों लोग देख रहे हैं, कौन सही है कौन गलत है बताने की जरूरत? पब्लिक जो है 17 तारीख को ईवीएम मशीन में बटन दबाएगी तब देखे। हमारे पुलिस वाले साथी सब ईमानदार हैं, लेकिन एक चीज बता दूं कि पुलिस वाले सट्टा पकड़ता था, आज छत्तीसगढ़ में पुलिस वाले सट्टा खिला रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री सट्टा मार पे आरओपीडी, मैंने बोला आप आपत्ति करिए। चलिए अगर आपके पास सबूत नहीं है, देखिए अगर मैं आपको बता दूं कि जैसा मैंने कहा, आज पूरे देश में सबसे ज्यादा कार्रवाई अगर महादेव ऐप पे की तो हमारी सरकार ने की, इन्हीं पुलिस वाले भाइयों ने की। आप गलत आरोप लगा रहे हैं, मेरा घोर आपत्ति इनके शब्दों पे। अपने शब्दों वापस लीजिए। सेना के शौर्य पे, सेना के पराक्रम के नाम पर वोट मांगने वाली पार्टी, उनकी शहादत पे राजनीति करने और वोट मांगने वाली पार्टी, और जाकर सोनिया जी के और कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये पूरी दुनिया जाते हैं जानते हैं कि पाकिस्तान जाकर जिन्ना की समाधि पे किसने अपना माथा टेका था। कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में क्या इन तमाम मुद्दों पर कुछ चर्चा होनी चाहिए? चलिए मनीष जी, अब मुझे लगता है कि कार्यक्रम के इस आखिरी प्रभाव में एक अपील जो हम तमाम पैनल में करते जा रहे हैं, वोट की एक अपील। देखिए मैं पूरे प्रदेश की जनता से ये अपील करूंगा कि आप अपने मत का उपयोग अवश्य करें, लोकतंत्र के इस महायज्ञ में यदि आप अपना योगदान नहीं देंगे तो आप सही सरकार नहीं चुन पाएंगे। सही सरकार चुनना है और सही निर्णय आपको चाहिए तो आपको मतदान करना होगा, और मतदान करके ये बताना होगा कि प्रदेश को आप किस दिशा में ले जाना चाहिए, भरोसे की दिशा में कि गारंटी की दिशा में। चलिए निश्चित तौर पर अमित जी, लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव चालू हो गया, और इस यज्ञ में मैं आपके चैनल के माध्यम से, बहुत लोकप्रिय चैनल है, जनता से ये निवेदन करना चाहता हूं कि वोट डालना आपकी जिम्मेदारी और अधिकार दोनों है, तो आप अधिक से अधिक मात्रा में वोट करिए और इस लोकतंत्र को और मजबूती प्रदान करिए। मैं सभी जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं और इस चैनल के माध्यम से देखेंगे, हमारे प्रदेशवासियों से ये पुरजोर अपील करना चाहूंगा कि लोकतंत्र के इस महापर्व पर जाकर अपने कीमती वोट का उपयोग करें, और उस वोट को ऐसे ही जो जाति धर्म के नाम पर ना देकर, जो विकास है, जो शिक्षा है, जो रोजगार के अवसर जिसने उपलब्ध कराया है, इन सब बातों को देकर जो बुनियादी मुद्दे हैं समाज के, उसको देखते हुए वोट करें। निश्चित तौर पर तमाम पहलुओं को देखते हुए वोट करें, एक मजबूत जनप्रतिनिधि को चुने। राजीव चक्रवर्ती, देखिए हमारा स्लोगन है पहले मतदान फिर जलपान, पहले अपना वोट डालिए उसके बाद ब्रेकफास्ट करिए या भोजन करिए, और आपका अगर नंबर नहीं मिल रहा तो ऐप का मदद लीजिए, नहीं तो अपने पुराने घर पर जाइए, लेकिन पिकनिक मत मनाइए कि अगले सुबह दूंगा, दोपहर को दूंगा, शाम को दूंगा। फिर जब आप 5 बजे जाएंगे और मतदान करनी बंद कर देंगे गेट, तो आप बोलेंगे मेरा वोट रह गया। तो इसीलिए समय निकालकर पहले मतदान करने जाएं, हर काम छोड़ के, और एक श्रेष्ठ नागरिक बनिए।
चलो विजय जी, लोकतंत्र की रक्षा लोक मत ही करता है। मैं पब्लिक ओपिनियन के लिए आम जनता से अपील करूंगा आपके माध्यम से कि 17 तारीख को अपने समस्त कार्य छोड़ करके इस लोकतंत्र के महापर्व में अपना मताधिकार का प्रयोग जरूर करें और मतदान करें, ताकि आपको लगे कि मैंने जो मत दिया उससे सरकार बनी है और आपके हित में सरकार बनने वाली जो रहेगी वो काम करेगी। लोकतंत्र के इस महापर्व में वोट की काफी अहमियत तो होती है। नीलेश गोयल हमारे साथ मौजूद है रायपुर संभाग के ब्यूरो, उसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि मंच पे आए और एक अपील साधना न्यूज की तरफ से वो करें कि इस लोकतंत्र के महापर्व में अपने वोट की आहुति से एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करें, प्रदेश का निर्माण करें। नीलेश, लोकतंत्र का ये महापर्व है और महापर्व में सभी व्यक्ति को भाग लेनी चाहिए। आज भारत निर्वाचन आयोग ने एक बहुत अच्छी सुविधा प्रदान की है कि जो व्यक्ति मत नहीं डाल सकता उनके लिए घर घर जाकर मत पेटी दी गई है। कोई विकलांग है, कोई 80 वर्ष से उम्र है, तो मतलब देखिए आप पहले लोग वोट नहीं डाल पाते थे, लेकिन आज वोट डालने की इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है कि आप अच्छे से वोट डालें। तो मैं एक ही निवेदन करूंगा कि सबको मिलकर एक अच्छी सरकार का गठन करना है और अपने मत का उपयोग करना है जो शिक्षा स्वास्थ्य की ओर ध्यान देने वाली सरकार हो। पब्लिक के बीच से कोई अगर बोलना चाहेगा तो हैंड सुपर करेंगे। आकांक्षा आपके पास माइक लेकर पहुंचेंगी और मैं यहाँ पे आप सभी को आप बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस पैनल में चर्चा करने के लिए। आकांक्षा हैंड सुपर करेंगे, कुछ अगर किसी को कुछ बोलना है तो।